आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी वो पांच गलतियां जो सारे बाथरूम में उनकी जान ले सकती हैं। सबसे पहले है कि जो ब्रश होता है उसको लोग धोते नहीं है, स्टेरिलाइज नहीं करते हैं, उसमें मिलियन तक बैक्टीरिया होते हैं। अगर ये ब्रश को आप साफ नहीं करेंगे, गंदे ब्रश को बारी बारी यूज करेंगे, तो आपके मुंह में अल्सर हो जाएंगे, आपके मुंह में दांत गिरने की प्रॉब्लम हो जाएगी, दांतों में केरीज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है और बारी बारी मुंह में छाले होते हैं। तो इसलिए ब्रश को उम्र आपको 3 महीने में एक बार बदल लेना चाहिए। अगर आप जब तक बदलती नहीं है तो इसको या तो माइक्रोवेव में आप स्टेरिलाइज करिए या आप इसको गर्म पानी में और सिरके में विनेगर में धोकर और फिर इसको पानी साफ से धोएंगे और इस ब्रश को साफ रखेंगे। तो ब्रश को साफ रखना बहुत जरूरी है बिकॉज इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग मेडिकेटेड साबुन यूज करते हैं। जो मेडिकेटेड साबुन यूज करते हैं उसकी वजह से जो बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी को इंफेक्शन से बचाते हैं, उन इंफेक्शन हो जाती है और वो बैक्टीरिया जो हैं जो नॉर्मली इंफेक्शन कॉज नहीं करते और हमारी बॉडी उनको बचाती है उस बैक्टीरिया से, वो बैक्टीरिया जब धुल जाते हैं मेडिकेटेड चीजों से तो उससे उनको और इन्फेक्शन बढ़ जाती है और एलर्जी भी होती है। दूसरी बात, परफ्यूम साबुन यूज करते हैं, इसलिए नॉर्मल साबुन जो बहुत माइल्ड सोप है उससे यूज करना चाहिए और ज्यादा रगड़ रगड़ के नहीं धोना चाहिए। बॉडी में जितना आप ज्यादा रगड़ेंगे उतनी अपनी बॉडी की स्किन की जो आपका ऑयल है वो खत्म हो जाएगा। और आप सबसे बड़ी बात है, नहाने के बाद आप मॉइस्चराइजर अवश्य लगाए। तीसरी चीज, गुनगुने पानी से नहाएं, ना वो ज्यादा गर्म होना चाहिए ना वो ज्यादा ठंडा होना चाहिए। और दूसरी बात, 10 मिनट से ज्यादा आपको शावर में नहीं रहना चाहिए, शावर के हेड को आपको साफ रखना चाहिए। अगर आप शावर के हेड को साफ नहीं कर सकती तो सिंपल बाल्टी और मग से नहाना चाहिए और ज्यादा पानी से बारी बारी नहीं नहाना चाहिए क्योंकि इससे भी आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, प्लस आपको फंगस की इन्फेक्शन हो जाएगी, प्लस कई बार क्या है स्किन में खारिश हो जाती है जो परफ्यूम की वजह से होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप परफ्यूम साबुन इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम हो जाती है वो है कि आपको अपना बाथरूम, जैसे ये बंदा गिर गया है बिकॉज उसने जो बाथरूम था उसमें एंटी स्किड पायदान नहीं था। एंटी स्किड पायदान का मतलब ये है कि जब हमारा बाथरूम गीला होता है तो फिसलन हो जाती है और एंटी स्किड अगर बाथरूम नहीं होगा तो आपकी हड्डियां टूटती हैं। बहुत लोगों ने देखा होगा कि कुल्ले की हड्डी, पैर की हड्डी, टांगों की हड्डियां ज्यादातर बुजुर्गों की बाथरूम में टूटती हैं। तो बाथरूम में 2 चीजें होनी बहुत आवश्यक है, एक है एंटी स्किड फुट मैट्स और दूसरा कि आपको अपने होल्डिंग बार्स होने चाहिए ताकि आप हाथ पकड़ के किसी जगह को आप खड़े हो सकें। अगर वो हैंडल या बार्स नहीं होंगे तो आपको गिर के आपकी हड्डियां टूटने का डर रहेगा। इसके अलावा जब आप बाल धोती हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि बाल का सिर पे जूड़ा बना के ना धोएं, क्योंकि इससे क्या है कि आपके बालों में जब आप जूड़ा बना के धोएंगी तो सारा जितना बालों का तेल है वो सारा धुल जाता है। ज्यादा गर्म पानी से नहीं धोएंगी और बालों को खुला करके सीधे सीधे करके धोना है, प्लस स्कैल्प में सिर्फ मसाज करनी है और उसके बाद पानी से धोना है। अगर आपके पीठ पे फिंसियां हैं या मुंह पे फिंसियां हैं तो बालों को बिल्कुल आगे ले जाकर और फिर वॉश करेंगे और सिर्फ पानी से धोएंगे, उसको ज्यादा रगड़ेंगे और मसलेंगे नहीं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग आजकल करते हैं वो है टॉवल को रगड़ रगड़ के वो अपने शरीर को साफ करते हैं। जब वो टॉवल से अपने शरीर को रगड़ रगड़ के साफ करते हैं उससे उनका ऑयल खत्म हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, इसके अलावा उनके झुर्रियां आती हैं। तो हमेशा जब टॉवल को यूज करेंगे तो हमेशा पैट करके यूज करेंगे, फेस का, बालों का और शरीर का, तीनों का टॉवल आप अलग रखेंगे और साफ रखेंगे। तो हड्डियां टूटना, जिसे 230,000 लोग हर साल बाथरूम के एक्सीडेंट से वो अस्पताल पहुंच जाते हैं और बुजुर्गों की तो जान भी चली जाती है कुल्ले की हड्डी टूटने से, तो बहुत जरूरी है कि आप जो अपना एंटी स्किड वाला बाथरूम है वो यूज करें ताकि एंटी स्किड पायदान होना बहुत बहुत आवश्यक है आपके बाथरूम में। और अपने आपकी सावधानी और सेफ्टी के लिए अगर आप ये 5 चीजें अपनाएंगे तो आप हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे, आपके बाल, आपके दांत, आपकी हड्डियां सब और स्किन सब सुरक्षित रहेगी।